सीजीएल में धरा से गगन के सफर की मद्दा रखने वाले आप तमाम युवा शक्ति को मैं यूथ विजन यूट्यूब चैनल, यूथ विजन एप्लीकेशन और यूथ विजन मैथ्स संस्थान, जो कि अब पूरी तरह रमना रोड कॉर्नर भिगना पहाड़ी पटना में शिफ्ट हो चुका है, वहां से राजीव रंजन सिंह आप सबों का स्वागत करता हूं। और चलिए पिनाकल सीरीज के क्रम को जहां थे वहां से आगे बढ़ाते चले, तो अगला क्रम जारी रखें। धन्यवाद। अरे छात्रों, अब चले क्वेश्चन नंबर 211। यहां से राम के पास जितना धन था उसका 12.5% खो दिया, शेष धन का 75%, 12.5% मतलब 1/8 खो दिया, शेष का 3/4 खर्च करके ये बचा। तो शुरू में x अगर था 1/8 खो दिया तो बचा 7/8, 3/4 खर्च किया तो बचा 1/4, जो कि बचा हुआ है 630। x का वैल्यू 7 से कट जाएगा 9 बार तो 90, ये 32, 9 से गुना, 9 गुना 2 18, 27 1 28, 1 0, 28 80। जहां हो आराम से रंगिए निकलिए। इतने छोटे छोटे डेटा के लिए मेरे हिसाब से कोई जरूरी नहीं है कि यूनिट और डिजिट सम का रिसर्च कीजिए। 212 क्या कह रहा है? एक संख्या p 150 से 15% अधिक है और k p से 15%। तो पहले p क्या है ये पता करना है। k के बारे में कहा है कि ये p से 15% कम है, तो फिर p को 15% कम करेंगे तब k तय हो जाएगा। तो 150 से अब 15% भिन्न में 3/20 अधिक है p, तो 23/20। इससे फिर कितना कम है? तो 15% कम है, तो 3/20 कम, तो 17/20 है ये। अब सवाल है कि क्या यहाँ पर अगर गुना ना करना हो तो डीएस यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। काहे यूज कर सकते हैं? तो यूं ही देखिए, नीचे देखिए 2 0 है, ये 4 का गुणज है, तो 4 में डीएस का यूज होता है। भले दशमलव में है लेकिन नीचे 4 है तो 1 0 है, तो 1 0 तो कट गया। एक अंक पहले 1 0 के बदले डेसिमल आता, 4 के बदले 2 अंक पहले डेसिमल आता, क्योंकि 4 25 से गुना होता तो 100, तो शुद्ध 3 अंक तक एक्यूरेट कट के आता। सारा ऑप्शन 3 ही अंक है, तो यहाँ डीएस का चाहे तो यूज किया जा सकता है और ना इच्छा हो तो पूरा गुना कीजिए। ये दोनों गुना करते तो 20 का स्क्वायर 400 से 9 कम, 391 गुना 15/15, इसलिए कि 1 1 0 काट लिए 40, 15 से 15 गुना 1 15, 15 गुना 9 135, 1 136 13, 45 13 55 3 58 बटा 40। 4 से भाग देते हैं, 1 बार में 4, 4 बार में 16, 6 बार में 24 2, 6 बार में 24 1.0, 2 बार में 8, 5 बार में बटा में है 10, एक और अंक पहले डेसिमल 146.625 ऑप्शन नंबर डी। हाँ, तो अब सवाल है कि क्या डीएस का यूज कर सकते थे? यहाँ तय कर दिए कि हाँ डीएस यूज हो सकता है, इसलिए कि ये रिजल्ट दशमलव के बाद शुद्ध 3 अंक तक आएगा, सारा ऑप्शन 3 अंक तक ही है, तो यूज करते हैं। नीचे का डीएस क्या है? 2 2 2 4, ये क्या है 8, ये क्या है 5, 8 गुना 5 40, तो 4 4 4 हट गया, 5 1 6, ये 8 गुना 5 40 का डीएस 4 बच गया, फाइनली डीएस होता 6। तो अगर डीएस का सहारा लेके बनाते तो आंसर आना चाहिए 6। जोड़ते, ये 6 3 9 हट गया, 4 3 7 2 9 हट गया, तो इसका डीएस बचता 1, 6 3 9 हट गया, 8 1 9 हट गया, तो 2 1 3 18 हट ही गया, 5 2 7 1 8 डीएस होता इसका, तो 6 4 10 तो 1 बचा, 1 1 2 6 2 8 2 10 1 बचा, 5 1 6 डीएस 6 आ रहा है, तो आराम से रंग के निकल सकते हैं। लेकिन इसके लिए पता होना चाहिए कि दशमलव के बाद एक्चुअल में शुद्ध 3 अंक आएगा कि नहीं आएगा। अगर कहीं से 2 ही अंक दे दे तो वहां पर कंफ्यूजन होगा। इसलिए सब कोई जबरदस्ती गर्दन पे चढ़ के हर क्वेश्चन में डीएस का प्रयोग नहीं कीजिएगा। डीएस का प्रयोग बढ़िया से पहले सीख लीजिए और तब यूज कीजिए। हाँ, सिंपली डीएस का प्रयोग कोई भी कर सकते हैं, लेकिन डीएस बढ़िया से यूज करना हो कि हर अटेम्प्ट पर डीएस यूज करना है तो पहले डीएस सीख लीजिए, तब डीएस का यूज कीजिएगा। नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है। खपत समान रखने के लिए कितना कम करना, वृद्धि करना होगा। रेट 20% कम हो रहा है, 20% 1/5 कम हो रहा है तो 5 में 1 कम 4। आपको पता है कि रेट का ठीक उल्टा होता है। क्वांटिटी तो 4 से 5, मतलब खाता 4 था तो खाएगा 5। कितना बढ़ाया? 1। इसको बढ़ाया 4 को। परसेंटेज गुना 100, आराम से 25% लिखिए। जहां पर चेहरा होगा टिक लगा के बढ़िए। आइए क्वेश्चन नंबर 214 क्या कर रहा है। आमदनी इतना है, खर्चा इतना है। आमदनी बढ़ गया 12, खर्चा आय व्यय है तो जोड़ घटाव से बनेगा। तो पहला काम बढ़िया क्या होगा, रेशियो अस्थाई बताए हैं। 2 2 0 और 5 कट रहा है तो 5 बार में 25, 3 बार। 2 2 0 और 5 कटेगा तो 4 और 1 41, मतलब इनकम 53 है तो एक्सपेंडिचर आपका क्या है, 41 है। तो सेविंग का चेहरा क्या होगा, 12। अब कहा है कि इनकम 12% बढ़ा, थोड़ा डेटा का साइज बढ़ा दिख रहा है तो 12 बढ़ा। व्यय में 6 की वृद्धि की तो एक्सपेंडिचर 6 बढ़ाया। सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ा नहीं मालूम तो एक्स। क्लियर? डेटा बढ़ाया तो, लेकिन थोड़ा होशियारी कीजिए तो देखिए सब 6 का गुणज है। कॉमन लेके काट देते हैं, ये 1 बार, ये 2 बार। 53 गुना 2 106 हुआ। इसमें से 41 गुना 1 41 घट जाएगा तो 65। इस 2 से भाग पड़ेगा तो 32.5% पॉजिटिव जा रहा है इंक्रीज, तो 32.5 जहां हो चुनिए। ऑप्शन नंबर ए में है तो चुन दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। कस्बे की जनसंख्या 12% वृद्धि हुई, अगले वर्ष 8% कमी हुई। दूसरे वर्ष के अंत का पॉपुलेशन दे दिया है और शुरुआत में पूछा है तो शुरू में नहीं मालूम तो एक्स। 12% बढ़ गया, 12% का मतलब 3/25 बढ़ गया तो 28/25 हुआ। और 8% फिर कमी हुई तो 2/25 कमी का मतलब 23/25 हुआ। अब तब बचा 64400। काटते हैं 28 से ही पहले, 2 बार में 56, 8 बचा 84, पूरी तरह नहीं कट रहा है। 7 से ही पहले काट लेते हैं, 9 बार में 63, 2 बार में 14 तो रहा था, 2 बार में 8, 3 बार में 12, 23 कट गया। 25 गुना 25 625 और उसके पीछे 00, तो 625 के पीछे 00। अब किसी का मन होता कि ना हम डीएस यूज करें तो कहते एक्स जनसंख्या है, 12% बढ़ गया तो 112/100, 8% कम हुआ तो 92/100 बराबर 64400। अब डीएस यूज करते हैं तो पहले ये देख लिया कीजिए कि 3 से कोई कटने लायक ऊपर वाला नहीं ना है। तो 2 2 4 नहीं है, 7 नहीं है। इसका डीएस 0 1 1 खत्म। 9 हटा दिए 2, ये रहा 4 4 गुना 2 8 नीचे आता। इसका डीएस 6 4 10 4 14 4 1 5, ये आ गया 8। तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा 5/8। अब 8 को एक डिजिट सम में बदलिए। ऐसा करते 8 गुना कर देते तो 64 6 4 10, तो 8 गुना 5 40 का 4 रहा, 64 का 1 रहा। फाइनली डीएस 4 होगा। अब वो आंसर लिखिए जिसका डीएस 4 होगा। इसका तो 5 हो गया, 0 0 हट गया, ये 5 4 9 हट गया, 7 5 12 तो 2 1 3 रहा, ये 5 5 10 9 हटा तो 1 रहा, ये 6 2 8 5 13 3 1 4 रहा। किसका डीएस 4 है तो कुछ ऑप्शन नंबर सी का। तो रंग दीजिए डीएस से। एक चीज देख रहे हैं, जब हम डीएस यूज कर रहे हैं यहां पर काटने के उद्देश्य से लिख रहे हैं तो पहले काट काट के लिख रहे हैं, लेकिन जब डीएस के उद्देश्य से लिख रहे हैं तब 112/100 लिखते हैं। ये क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि नीचे 100 रहेगा ना तो 100 का डीएस 1 होता है तो उसको सीधा आसानी से हटाते चले जाते हैं। चलिए अगला है। 2 उम्मीदवार PQ एक चुनाव लड़ा। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% पी के समर्थक है, पी का 60% और क्यू का 30% से उम्मीद की जाती है कि वो पी को वोट देगा। अब पूछा है पी को वोट देने की उम्मीद, तो उम्मीद वाला चेहरा में जाना। अच्छा 100 वोटर था तो 70 पी को टारगेट करके समर्थक, तो 30 बचा Q का समर्थन। इसका उम्मीद है कि इसका 60%, तो 70 का 60% 6 गुना 7 42 वोट इसको आएगा। इसका भी 30% इसको देगा, तो 30 का 30% 9, तो 42 और 9 कुल कितना 51 का हर हाल में उम्मीद है। तो उम्मीद ही पूछा है, 100 में 51 मतलब 51%। रंगिए निकलिए। आगे है पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ जाती है, खपत में कितनी कमी करनी चाहिए? अब करा दशमलव के 2 स्थान तक, मतलब और भी स्थान तक जा सकता है, तो यहाँ पर कभी भी डीएस का यूज नहीं कीजिएगा। तो रेट 28% का मतलब 7/25 बढ़ रहा है, तो 25 से 7 बढ़ा तो 32। क्वांटिटी उल्टा मतलब 32 से 25 इतना कमी हो रहा है, 7 कमी हो रहा है 32 में, अब परसेंटेज गुना 100, 4 से 8 बार, 4 से 25, 25 गुना 7 175/8, 2 बार में 16, 1 बचा 15, 1 बार में 8, 7 बचा, 8 बार में 64, 6 बचा, 7 बार में 56, 5, 21 दशमलव। हालांकि 21 दिख जाता तो आराम से रंग देते, कोई जरूरी नहीं था। इसलिए बोले हैं कि हमेशा वनडे में जैसे नदी किनारे मछली बगुला पे टकटकी लगाए रखता है, वैसे ही स्ट्रक्चर मैथ का बनाने के बाद ना हर वक्त ऑप्शन पर नजर दौड़ाइए। ऑप्शन पर नजर दौड़ाने का मतलब ये होता है कि अगर सबका यूनिट डिजिट किसी का 5 है, 7 है, 2 है, 4 है, तो कंफर्म है कि ये क्वेश्चन यूनिट से ही बन जाएगा, तो काहे गुना करें? बड़ा गुना आए तब, छोटा आए तो काटते जाइए। डीएस यूज होगा कि नहीं होगा, इस पर ध्यान लगाए रखिए, तो बड़े गुना से बचा जा सकता है। 18 है, एक व्यक्ति के पास मौजूद कुल राशि का 20% खो जाने के बाद शेष राशि का 85% खर्च करके 120 बचाया। क्या लिखा है? शेष का, तो पहले x अगर था, 20% खो गया तो बचा 4/5, अब 85% 17/20 खर्चा कर दिया तो बचा 3/20, ये बचा हुआ है 120। 12 कट गया, 20 गुना 500 पर 1 0 तो 1000। तो इतना छोटा छोटा डेटा में बैठ के नहीं दिया, ऐसा यूनिट डिजिट मत ढूंढा कीजिए, जहां कैलकुलेशन दिखे वहां यूनिट डिजिट की ओर जाइए। 119, अरे गांव के 20% निवासी मलेरिया से मृत्यु हो गई, एक दहशत हो गई, जिसके दौरान बचे हुए निवासी में 30% गांव छोड़ दिया, अब बचा 12,000। आगे क्या करा है? प्रारंभ में क्या था? अब देखिए उत्तर पूर्ण संख्या तक लिखिए, मतलब पूर्ण के बाद भी कुछ ना कुछ आएगा दशमलव में, तो इसका मतलब यहां भी आप किसी कंडीशन में डीएस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आइए, एक्स था 20% मलेरिया से मर गया, तो 1/5 मर गया तो सही सलामत 4/5 बचा। फिर 30% गांव छोड़ दिया तो 3/10 छोड़ दिया तो सही सलामत 7/10 बचा, ये बचा हुआ 12,000। 4 से कट गया 3 बार, 5 गुना 3 15, 15 पे 4 0 1,50,000। अब बटा में आएगा 7, पहले पता है डीएस नहीं यूज होगा, 2 बार में 14 1 बचा, 1 बार में 7 3 बचा, 4 बार में 28 2 बचा, 2 बार में 14 6 बचा, 7 बार में 56 5 बचा, 7 बार में 49 56 के बाद 4 बचा, 5 बार में 35 5 बचा, 7 बार में 49 तो 21,427 दशमलव समथिंग 21,400। तो पूरा अगर ऑप्शन इसी साइड रहता तो ये देखते नहीं, जरा देख लेते हैं। 2 बार में 14 1 बार में 7 3 30 4 बार में 28 2 2 बार में 14 6 8 बार में 56 4 5 बार में 35 5 7 बार में 49 ये रिजल्ट। बस 21,400 समथिंग दिख रहा था, तो पूरा करने की भी जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। 220, अरे एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग लिया, थर्ड पोजीशन वाला कुल मतों का 20% पाया, विजेता और उपविजेता का अंतर कुल मतों का 20% था। कहां से डिफर भी दिया है? कुल का ही, तो जोड़ घटा हुआ। थर्ड पोजीशन वाला 20% लाया, ए और बी विनर और रनर रहा होगा, इन दोनों का फासला बचा है 20%। 2 उपाय है, एक जिसको मैथ में थोड़ा दिक्कत आता हो लिख के बनाइएगा, जो पढ़ के बनाना चाहते हैं। बचा हुआ कितना है? 80, बराबर बराबर बांट दीजिए 40-40 ठीक। अब 20 का फासला होने के लिए तो 20 का आधा 10, एक में से निकाल लीजिए, तो 40 में से निकाल लिए 30, एक में डाल दिए 40 में 10 डाल दिए 50, तो इसके हिस्से 50 जाएगा, इसके हिस्से 30 आएगा। 40-40 बांट के इसका 10 निकाले, इसका 10 डाले, 20 का फासला हो जाएगा। हाँ, जिसको दिक्कत हो वो पूरा लिख के बनाइए। ए बी मिलके ला रहा है 80% और ए और बी के बीच का फासला है 20%। जोड़ लिए तो 2a बराबर 100, तो ए का वैल्यू 50, ए रख दिए तो बी का वैल्यू आया 30। ऐसे करके बनाइए इक्वेशन, तब रिजल्ट आ गया। अब करें प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता का अंतर, ये दोनों का डिफर दिया हुआ है, मतलब 10% दे के रखा है 3,7,000। विजेता को कितना मिला, तो विजेता को कितना मिला 50%, तो 5 गुना कर दीजिए, 7 गुना 5 35 और 15 3 18 000 1,85,000। आराम से रंगिए निकलिए। छोटा गुना था, 5 का टेबल था, तो काहे के लिए डीएस में जाते। 221 पहले वर्ष में कोरोना वायरस के कारण शहर की आबादी 5% कम हो गई। दूसरे वर्ष में यह लहर के वजह से 5% फिर कम हो गया। थर्ड ईयर में 5% बढ़ गया। तीसरे वर्ष के अंत में डेटा पहुंच गया 9,47,625। भरपूर गुना है, पहले से पता है तो भरपूर गुना है, तो अगर होशियारी जो करेगा वो शुरू हो जाएगा डीएस का सहारा लेना। इसका डीएस 7 है, इसका डीएस कितना 9 9 9 हट ही गया, 7 3 10 1 8 1 9 हट गया 0। इसका डीएस 1 है, इसका 9 9 हट गया 9 हट गया 5 2 7 1 8 है। सबका डीएस अलग है, तो आराम से डीएस से बनाया जा सकता है क्वेश्चन को। अब जरा बनाइए, एक्स आबादी था, 5% कम हो गया तो बचा 95/100, फिर 5% कम हुआ तो 95/100, अब 5% बढ़ गया तो 105/100। ये जनसंख्या हुआ कितना 9,47,625। लेकिन डीएस के साथ क्या लफड़ा है, ये 3 का गुणज है, तो पहले 3 काट दीजिए, 3 बार में 9, 5 बार में 15। अब कोई 3 का गुणज ऊपर नहीं बच रहा है। अब डीएस का यूज 3 बार में 9, 1 बार में 3, 5 बार में 15 2, 8 बार में 24 2, 7 बार में 21, 5 बार में 15। अब डीएस का यूज कीजिए। इसका रहा 5, इसका 9 हट गया 5, इसका रहा 8, इसका 1 1 1। लिखे ना लिखे, यहाँ आइए, 5 3 8 1 9 हट गया, 8 7 15 5 20 20 का डीएस 2। वो भी काटना हो तो काट सकते हैं 4 बार, यहाँ 2 रहा, यहाँ 5 गुना 5 25, 25 गुना 8 200 का डीएस 2। फाइनली डीएस 1 आना चाहिए, डीएस पहले से निकाल के रखे हुए हैं, 1 आना चाहिए। तो जिसको पूरा ना काटना हो वो यहीं से निकल जाइए। ये खतरनाक कब होता है, जब डीएस सेम डीएस मिला देता है, तब गुना किए बगैर कोई उपाय नहीं है। चूंकि डीएस पहले से पता था कि अलग अलग डीएस है, आराम से निकला जा सकता था। ध्यान क्या रखना था, डीएस में गौर से देखे होंगे 3 को कभी नीचे नहीं आने देते हैं। अगर है 3 तो या तो कट रहा हो तो काटिए, और नहीं कट रहा हो तो पूरा गुना भाग करके डीएस का यूज कीजिए। 3 प्रत्याशी PQR एक चुनाव में भाग लिया, P ने Q से 35% अधिक वोट पाया, R को Q से 15% अधिक। 3 चेहरा है PQR। Q अगर 100 वोट लाया तो ये 135 लाया, ये इससे 15 ज्यादा तो 115, और रेशियो में बदल दीजिए। ये 27, 5 से कटा 20, 5 से कटा 23। अब दिया है P और R 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया, तो P और R का डिफर इस दोनों का कितना है 4 भाग बराबर आपको दिया हुआ है 24/12। पूछ रहा है यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया है और कोई भी अवैध नहीं हुआ। पहले तो ये सब वोट हुआ कितना, 1 भाग की जरूरत पड़ती, तो 4 से 6 0 3 टोटल हो गया 20 20 40 20 60 10 70 भाग। 7 से गुना कर दीजिए, 7 गुना 3 21, 7 गुना 6 42। ये 90% ही है टोटल का, तो टोटल का 9/10 है 42210। 9 से कट रहा है, काटते हैं, 4 बार में 36 6 बार में 54 8, 9 बार में 81 10, 1 और 0 आ जाता तो टोटल वोट की जरूरत पड़ती, तो 469 00 हाँ, थोड़ा बहुत कोई होशियारी कर सकते हैं कि हम डीएस का यूज करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 3 का गुणज काट के डीएस का यूज करेंगे। 23 नंबर है, 2 उम्मीदवार के बीच लड़े गए चुनाव में से 15% वोट नहीं डाला और 100 अवैध हो गया। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% लाया। कहाँ से लाया, टोटल से, तो 15% वोट नहीं डाला तो लिख दिए 15%। 100 मत रिजेक्ट हुआ, ये संख्या में दिया है, और जीतने वाला विनर टोटल का 45% लाया तो जो बचेगा वो रनर के कोटा जाएगा। 45 और 15 60 हट गया तो 40% और -100। ये वोट जीत हार किसको कहते हैं? रनर विनर का डिफर्ट, इसमें इसको घटाते तो ये 5% और माइनस प्लस 100 बराबर है 400। ये इधर जाता 300, 5 से घटता तो 1% 60 हुआ। मतदाताओं की कुल संख्या तो टोटल का मतलब कितना? 100%, चाहे वोट दिया हो चाहे वोट ना दिया हो, तो 6000। आराम से रंगिए निकलिए। क्वेश्चन नंबर 24, 224। एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 200% वृद्धि की जाती है। 100 अगर पहला चेहरा है तो दूसरा प्राप्त करने के लिए 20% कम किया गया तो 80 किया गया। तीसरी प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में, पहली संख्या में नहीं कर रहा है, प्राप्त संख्या में तो 20% कम किया गया तब प्राप्त हुआ 80, और उसमें 200% वृद्धि की जाती है तो 200% वृद्धि की गई का मतलब 3 गुना किया गया तो 240 किया गया। तीसरी और मूल संख्या का अंतर पहले तो काट लीजिए। 1 1 0 कट रहा है, 2 से कट रहा है 5 बार, 2 से कट रहा है 4 बार, 2 से कट रहा है 12। अरे तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, तो मूल संख्या और तीसरी का अंतर कितना चल रहा है? ये अंतर चल रहा है 7 का। अब तीसरी संख्या के अंतर से कितना, दूसरी और तीसरी के अंतर से, तो ये डिफर 7 चल रहा है। दूसरी तीसरी का अंतर कितने का चल रहा है? 8 का। दूसरी तीसरी के अंतर से कितना परसेंट अधिक या कम है? तो दूसरी तीसरी के अंतर से ये 7 1 कम है, तुलना 8 से है, परसेंटेज गुना 100 है, 25/2 मतलब 12.5%। जहां हो 12.5% क्या है? कम है, तो 12.5% कम है। अगले में आइए 225। 2 दल है, ए बी के बीच चुनाव हुआ। ए को कुल मतों का 37% आया। यह दल 338 से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या, तो जब इस दल को 37% आया तो दूसरे दल को आया होगा कितना? 63%। जीत हार कितने से हुआ? इस दोनों का अंतर 26%। अब बराबर दिया हुआ है 338, टोटल पूछा है तो 100% पूछा है। एक बार में 26, 78 3 बार में, एक बार में 26 और 3 बार में 78, 13। 100% का मतलब 1300, क्योंकि कंडीशन है कि कोई अवैध वगैरह वगैरह नहीं हुआ, तो 100% 1300। रंगिए निकलिए। आइए 26 क्या कर रहा है? भवानी ने अपने वेतन का 15% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, अब ये दोनों लाइन एक साथ लिखा है, आय का 15% शिक्षा पर और 20% भोजन पर, और यहाँ जाके लिखा शेष का 40% खेल पर और 30% मनोरंजन पर खर्च किया। ये दोनों लाइन एक साथ। इस खर्च के बाद ये बच गया, आमदनी पता नहीं तो एक्स था। ये दोनों जगह एक जगह कर लीजिए तो 15 20 20 15 35%, 35% का मतलब 7/20 खर्चा कर दिया तो बचा 13/20, तब आया शेष तो 13/20। उसमें 40 और 30 खर्चा कर दिया तो बचा 30%, 3/10। अब बची हुई राशि दिया हुआ है 10,257। अब आपको निकालना है आय। 13 से 1 काटते हैं, 7 बार में 91 बचा 11, 8 बार में 104 बचा 11, 9 बार में, फिर 3 से काट लीजिए 2 6 3। अब x का वैल्यू तो डबल कर दीजिए तो 3 गुना 2 6, 26 गुना 2 52, और 2 0 तो 52,600 जहां पर है। रंगिए बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, उसको डील किया जाए। अरे रमेश की मासिक आय 16,500 है, इतना खर्च है और कुछ कुछ वृद्धि कमी है, तो एडिशनल में आइए रेशियो 2 2 0 और 15 से दोनों डेटा कट रहा है 2 0, 15 से 1 1, 15 से 7 बार। इसका मतलब इनकम अगर 11 है तो एक्सपेंडिचर इसका कितना है? 7 है, तो सेविंग इसका कितना हुआ? 4। अब करा आय 25 बढ़ गया, इसको 25 बढ़ा दीजिए। उसके व्यय में 19 की वृद्धि हुई तो 19 बढ़ाइए, और सेविंग पर क्या इफेक्ट पड़ा पता करना है। 25 गुना 11 275, 19 गुना 7 133, तो 275 में 133 घटता तो ये 2 4 1 142 बटा 4 142/4 71/2 35.5% पॉजिटिव रिजल्ट जा रहा है का मतलब है इंक्रीज, तो 35.5% इंक्रीज। पूछा भी है इंक्रीज कितना किया। आइए दे दिया है एबीसी का वेतन ये है, वेतन में इतना इतना वृद्धि हुई तो उनके वेतन का नया अनुपात। अच्छा पहला बंदा 2 रुपया कमाता था, 30% बढ़ गया था 13/10। दूसरा बंदा 3 कमाता था, 20% बढ़ गया 6/5। तीसरा बंदा 4 कमाता था, 10% बढ़ गया 11/10। सबका नीचे का एलसीएम 10 हो रहा है तो 10 काट देते हैं, ये 10 हट गया, इसको 10 करते तो 2 से गुना करते तो ये 3 के बदले 6 कर देते, 10 काट लेते। और 2 से कट रहा है, काटते जाइए, 2 से कटा तो ये बचा 13, 2 से कटता 3, 6 गुना 3 18, 11 गुना 2 22, 13 18 22, ये अनुपात हो जाता नया अनुपात 13 18 22। कोई तो पहला डेटा देख लेता तो वहीं से आंसर लिख देता, अगला गुना करने की भी जरूरत नहीं थी। वनडे है तो इस सब का ख्याल रखना है। 29 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 65% मतदाताओं ने वोट डाले, उसमें से जो वोट डाला उसमें 30% अवैध हुआ। एक उम्मीदवार को वोट आया लेकिन कहां से आया, वैध मतों का। आइए 2 उम्मीदवार था, एक्स टोटल वोट है उस चुनाव में, नामांकित नामांकित को एक्स मान लिए, वोट पड़ा 65%। 65% का मतलब 13/20 वोट पड़ा, 3% अवैध घोषित हो गया तो सही सलामत बचा 97/100। एक उम्मीदवार को इतना मिला जो वैध का 65% था, तो वैध का 65% 13/20 था। अब वो है कितना, 81965, ठीक है। अब बड़ा गुना है, ऐसे इच्छा होता कि ना हम काट ले तो काट लेते, लेकिन डीएस देख लेते हैं जरा। इसका डीएस 2 है, इसका 9 1 10 तो 1 बचेगा, 8 1 9 हटा तो डीएस 5 है, इसका 5 2 7 1 8 है। सबका डीएस जब अलग अलग है तो आराम से क्वेश्चन डीएस से बन सकता है। देखिए तो ये डेटा आपका कटने लायक डेटा, 3 से कटने लायक कोई नहीं है तो आराम से डायरेक्ट डीएस यूज हो जाता। इसका डीएस 4, इसका 9 हट गया 7, इसका 4, यहाँ 0 हट गया 2 गुना 2 4, 4 4 हट गया 7 गुना 4 28, 28 का 8 2 10, 10 का डीएस 1, कोई जरूरत नहीं रही। अब यहाँ से आइए, 9 हट गया 9 हट गया 6 5 11, 1 1 कितना 2, तो डीएस होगा 2, आंसर होगा ए। आराम से डीएस के सहारे आंसर बना लिए, बड़ा गुना था नहीं काटे। आइए अगले में, 2 उम्मीदवार के चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिए, दिए गए मतों में से मतलब 90 में से 10% अवैध हुआ। विजेता कहां से, वैध मतों का 54% लाया और वह 1620 से जीता। तो वैध का 54% जब विजेता ला रहा है तो वैध का 46%, इसका मतलब हारने वाला लाएगा। तो जीत हार वैध के कितने परसेंट से होगा, 8% से होगा। और पहुंचा दीजिए, मतदान करने के लिए पंजीकृत कितना था, तो रजिस्टर्ड मान लिए एक्स था। अब 10% वोट दिया नहीं तो वोट पड़ा कितना, 9/10, 10% रिजेक्ट हो गया तो सही सलामत 9/10। एक को आया 54 वैध का तो दूसरे को 46, जीत हार कितने से, 8%, 8% मतलब 2/25, इतने से जीत हार हुआ जो कि है 1620। हाँ, अब अगर डीएस यूज करना हो तब भी 3 का गुणज तो हटाना होगा, 81 का डबल 162। अब 2 से कट गया 10 बार, काहे के लिए जाइएगा, छोटा गुना है ही तो 25 के ऊपर 3 0, तो 25 के ऊपर 3 0। डीएस तब ना यूज करेंगे जब बहुत लेंदी होने लगे गुना, और डेटा देख के आपको पता चलता रहेगा कि ये गुना लेंदी जा रहा है तो चलो यहाँ पर डीएस का सहारा लेके निकल जाए तो बेहतर रहेगा। आगे आइए, 231, एक स्कूल में लड़के लड़की की संख्या का अनुपात 5:2 है। वार्षिक परीक्षा में 87% लड़का 80% लड़की पास हुई, फेल वाला पूछा है। ठीक है, अगर लड़का 5 है तो लड़की कितनी है, 2 है, तो स्टूडेंट की जरूरत होती तो 5 2 7। अब फेल वाला निकालना है, लड़का में 87% पास है तो फेल कितना हुआ, 13%, और लड़की में 80% पास है तो फेल कितना, 20%। तो ये भी अब टोटल फेल निकालना है, तो एक्स 13 गुना 5 65, और 40 105/7, 1 बार में 7, 5 बार में 35, 15%। छोटा डेटा है, कोई चलिए क्वेश्चन नंबर 1 232 से खड़े एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% आया। 14% अवैध 1400 अवैध होने के कारण एकमात्र प्रतिद्वंदी द्वारा 380 वोट से हार जाता है। ये बंदा हार जा रहा है। अवैध का परसेंटेज बताना है, कितना परसेंट अवैध हुआ। अच्छा देखिए, ये लाया रिजेक्ट कितना रहा 1400। ये जो पहला बंदा है जो भी वोट पड़ा है तो डाले गए में से लाया है, मतलब टोटल चाहे रिजेक्ट हो ना हो टोटल 42% लाया। तो सेकंड वाला बंदा कितना लाया 100 में इसको घटाते तो ये घटता तो बचता 42, घटता तो 58% अब -1400। अब ये बंदा हारा हुआ है तो जीतने वाले में हारने वाले को घटाएंगे तो 58 में 42 घटा तो 16% अब -1400। इसमें से ये घट रहा है तो ये ऐसे ही 1400 रह जाएगा और ये अंतर है 380 का। अब 16% का कितना हो गया 1400 तो 4480। 1% की जरूरत पड़ती, 16 से 2 बार में 32, 8 बार में 28। आपको पूछा है 1400 वोट जो रिजेक्ट हुआ वो कितना परसेंट है तो 280 वोट मतलब 1%, तो 1400 वोट मतलब इसका कितना गुना है 5 गुना। तो सीधा कर दीजिए 5%। काहे के लिए ज्यादा रिसर्च करते रहिएगा, एक एक नियम में जाते रहिएगा, यहीं से निकल जाइए। 233 है, एबी कंपनी के उत्पादन में 1 वर्ष में 10% वृद्धि, अगले वर्ष में 22% वृद्धि। तो पहला वर्ष 10% बढ़ा तो 11/10, अगला वर्ष 22% बढ़ा, 22% को काट ही लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 11/50 बढ़ा, 50 में 11 बढ़ा 61। और अगले वर्ष 5% वृद्धि हुई 21/20। अब पूछा है समग्र प्रतिशत क्या हुआ, तो समग्र प्रतिशत निकालना है तो 5 गुना 2 10 हुआ तो 2 4 अंक पहले, 3 अंक पहले डेसिमल जाता, 3 अंक पहले जाता तो इसका मतलब है कि डिजिट सम का यूज नहीं कर सकते हैं, गुना करना पड़ेगा। करते हैं 21 गुना 1 21, 21 गुना 6 126, 2 128। इसको 11 से गुना, 11 गुना 1 11, 88 1 89 8 बचा, 22 8 30 3 बचा, 11 3 14। ये हो गया 10,000। तो जो 10,000 पे डेटा था वो 14,091। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो इंक्रीज हुआ 4091, इसमें हुआ 10,000 परसेंटेज गुना 100, 2 0 कट गया 40.91%। तो लगभग में से 40.9 पहले तय कर लिए। डीएस का यूज नहीं होगा क्योंकि प्रॉक्स वैल्यू का यूज किया है। आगे है रमेश, पहले 35% वेतन में पहले 35% वृद्धि होती है, फिर 40% कमी होती है, फिर 25% वृद्धि होती है, करते जाइए। 35% 7/20 वृद्धि हुई तो 20 से पहुंच गया 27 पर। फिर 40% 2/5 कमी हुई तो 5 से 3। फिर कह रहा है कि 25% 1/4 अब वृद्धि हुई तो 4 था 1 वृद्धि तो 5। ये 5 5 तो कट ही गया। ये 27 गुना 4 81 80, 80 से 81 हुआ, कितना बढ़ा 1, कौन बढ़ा 80, परसेंटेज गुना 100, 20 से 5/4 मतलब 1.1/4। अब 1/4 पॉइंट में लिखा है तो 1.25% वृद्धि हुई, 1.25% वृद्धि हुई। अगले में आइए, आय का 65% खर्च करता है, आय इतना बढ़ता है, खर्च इतना बढ़ता है, बचत में कितना वृद्धि होगा ये बताना है। और यहाँ क्या होगा एडिशनल फॉर्म आय व्यय है। 65% खर्च 13/20 खर्च, मतलब इनकम अगर 20 है तो खर्चा कर रहा है कितना 13, तो सेविंग क्या है 7। आय 20 बढ़ गया, इसको 20 से गुना कर दिए, खर्च भी 10 बढ़ गया तो इसको 10 से गुना कर दिए। अब बचत में वृद्धि पता करना है, मालूम नहीं तो एक्स। ये हुआ 400, 130 घट जाता तो 270/7। आय में 20% वृद्धि, 400 में 130 घटता तो 270/7। 7 से 3 बार में 21 हुआ, 6 बचा, 8 बार में 56, 4 बचा, 5 बार में 35, 7 38.5 वृद्धि हुई, लिख दीजिए। अगले में आइए, 36 है। जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक उत्पाद में 35% कमी आ जाती है। 35% का मतलब 7/20, 20 से आ गया कमी कहाँ पर 7 कमी तो 13। करे समय को कितना तक बढ़ाना चाहिए तो मतलब 13 समय दे रहा होगा, अब 20 उत्पाद के लिए तो 20 समय देना होगा, कितना बढ़ाएगा 7, किसको बढ़ाया 13 और परसेंटेज तो गुना 100, काट लीजिए दशमलव में लिखना है। 5 बार में 65, 5 बचा, 4 बार में 52, 54 के आसपास 53 पॉइंट समथिंग, काहे के लिए बैठ के पूरा गुना कीजिएगा तो 53 पॉइंट समथिंग। अगले में आइए, अरे एक कार की कीमत में पहले 35% वृद्धि हुई, अब फिर बिक्री में कमी के कारण क्या किया कि 25% की कमी कर दी गई, तो 2 परिवर्तन किया। एक बार 35% बढ़ाया, 35% 7/20 बढ़ाया तो 20 था, 7 बढ़ा के 27 पर ले गया। अब फिर 25% 1/4 कमी किया तो 3/4, मतलब 80 था तो 81 ले गया। परसेंटेज पूर्णांक में लिखना है कितना बढ़ा, 1, कौन बढ़ा 80, परसेंटेज गुना 100, 5/4 पूर्णांक में है तो 1.1/4% इंक्रीज, 1.1/4। टिक लगाइए, बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मत का 60% लाया, कहां से लाया? वैध मत का, टोटल का नहीं, वैलिड का। अब 2% अवैध है, अवैध भी है 2%, कुल मतों का 2% अवैध है, और मतदाताओं की संख्या 1,50,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वोटों की संख्या क्या है? 1,50,000 वोटर है। हाँ, पहले टारगेट बनाइए, अगर डीएस का यूज करना है तो इसका डीएस 0 9 हट गया, इसका डीएस 6 4 10 1, 8 1 9 हट गया 0, 8 7 15 तो 5 1 6, 8 2 10 1, 8 1 9 0। अब पता है कि अगर 0 डीएस वाला आएगा तो 3 3 डेटा आ जाएगा, तो जो होशियारी करना पसंद करेंगे वो डीएस का रिस्क नहीं ले सकते हैं। चलिए तो आगे है, 2% अवैध हुआ तो सही सलामत बचा 98%। अब इसमें से कह रहा है वैध में से 60% लाया, तो 60% लाया मतलब 3/5 लाया। पूरा आराम से काट के लिखिए, बढ़िया रहेगा, क्योंकि रिस्क कवर क्यों किया जाए। 5 से कटेगा 300, 3 गुना 3 9, 9 से गुना और पीछे 2 0, 9 गुना 8 72, 9 गुना 9 81 या 7 88, 88 200। तय डिजिट सम तो 0 ही आता, डिजिट सम 0 आता तो छोटे छोटे डेटा में रिस्क कवर करना उचित नहीं है। आगे आइए, रिस्क कवर नहीं मतलब 3 3 जगह डिजिट सम 0 आ रहा था तो वापस लौटना पड़ता, यह पहले से तय था। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 85% ने वोट डाले, 4% अवैध हो गया। जो वोट डाला उस जिसमें से 4% अवैध हो गया। एक उम्मीदवार इतना मत मिला, इसको कहां से आया है? वैध का 85%, तो नामांकित मतदाताओं की संख्या बतानी है, पता नहीं तो एक्स था, वोट पड़ा 85%। अगर डीएस यूज करना हो तो पहले मोड बना लीजिए, इसका डीएस 6 है, इसका 8 1 9 हटा 0, इसका 8 है, इसका 1 है, मतलब इस क्वेश्चन को चाहे तो डीएस से आराम से बनाया जा सकता है, कोई रिस्क नहीं होगा, कोई वापसी नहीं होगी। तो लेते हैं 85% वोट पड़ा, अब 4% अवैध हो गया तो 96/100। अब इस उम्मीदवार को वैध मतों का 85% मिला, एक चुनाव में 85% ने वोट दिया तो एक्स का 85% वोट पड़ा, 4% अवैध हुआ तो ये बचा। अब वैध का 85% इसको मिला तो 85/100, जो कि 6 9 3 6 है, 6 9 3 6 है। एक डेटा यहाँ डीएस का यूज करेंगे तो देखिए ये 3 से कटने लायक है, तो पहले इसको काट लेते हैं ताकि डीएस बाद में धोखा ना दे। 3 से कट गया 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, 2 बार। अब आराम से डीएस अप्लाई कीजिए, डीएस अप्लाई करते इसका कहानी खत्म, इसका खत्म, इसका खत्म। 8 5 13 तो 3 1 4, 8 5 13 3 1 4, 3 2 5, 5 गुना 4 20, 20 गुना 4 80 तो 8 रहा। इधर क्या है 3 2 5 1 6 2 8, 8/8 का मतलब 1, तो डीएस 1 होना चाहिए, तो आराम से 10,000 पे टिक लगाइए, बढ़ जाइए। अगले में आइए, अरे राजू अपने आय का 10% 20% परिवहन और भोजन पर खर्च करता है। इसके बाद लिखा है बचे हुए आय का 30% कपड़ा पर खर्च करता है, शेष आय को बचा लेता है, बचत दिया है। अब देखिए ये दोनों तो एक साथ लेके चलेंगे। पूछा क्या है ये भी देख लीजिए। पूछा है भोजन और कपड़ा पर कुल मिला के क्या खर्च करता है, भोजन और कपड़ा पर कितना खर्च करता है। अब आपके पास सवाल बीच से पूछा भोजन और कपड़ा पर खर्च, तब बढ़िया होगा तोड़ते जाइए। इनकम में 10% जो है यात्रा पर, 20% भोजन पर। अब शेष का, तो शेष कितना बचा, 20 10 30 खत्म, तो शेष बचा आपका 70। इसका 30% कपड़ा पर, तो 70 का 30% 7 गुना 3 21% कपड़ा पर। शेष आय को वह बचा लेता है। कहाँ गया 20 20 40 10 50 51, तो सेविंग हो गया 49%। अब कर रहे बचत 26,460, 49% बराबर 26,460 है। अब पूछा क्या गया है तो भोजन और कपड़ा पर कितना खर्च है, तो भोजन और कपड़ा पर 41% पूछा गया है कितना। पूरा काट के लिखना हो तो पूरा काट के लिखिए। 26460 बटा में हुआ 49, गुना में हुआ 41। किसी का मन होता कि हम डीएस यूज करें तो डीएस यूज कर सकते हैं, किसी का मन होता काट के लिखते हैं। 7 बार में 49, 7 गुना 7 से, 3 बार में 21, 5 बचा, 7 बार में 49, 5 बचा, 8 बार में 56, फिर 7 से, 5 बार में 35, 4 बार में 28, अब 41 से 41 गुना 4 164, 16 बचा, 41 गुना 5 205, 16 5 21, 221 बचा, तो 22,140 जहां पर हो चुनिए 22,140। जिनका मन होता कि ना गुना बड़ा है डीएस का यूज करें तो 6 4 10 1 बचा, 2 2 4 1 5 होता डीएस, यहाँ 8 2 10 1 4 4 8 1 9 तो 0 हुआ डीएस, 4 4 8 2 10 1 बचा, 3 1 4 हुआ डीएस, इसका 2 2 4 1 5 5 4 9 इसका डीएस 0 हुआ। मतलब 2 रिजल्ट की गुंजाइश बन सकती है, इसलिए जबरदस्ती का रिस्क डीएस का नहीं लीजिएगा। हाँ, एक काम यहाँ आके कर सकते थे कि एक 0 जैसे डाले तो 4 गुना 1 4, और पीछे से देखते तो ऑप्शन देखते 0 के पीछे 4। अब 0 के पीछे 4 है, 0 के पीछे 4 है, ये दोनों तो पहले रिजेक्ट हो जाता। अब डीएस का अगर यूज करना होता तो डीएस का यूज कर सकते थे। ठीक है, हाँ भाग गए। अब डीएस का यूज, तो जब यहां तक पहुंच ही गए तब जबरदस्ती का तब काहे के लिए डीएस यूज कीजिएगा। आगे आइए, 241 है। एक चुनाव में 35% मतदाता पी के लिए मतदान किया और शेष में से 50% मतदाताओं ने क्यू के लिए मतदान किया। तो 35% पी के लिए, अब बचे हुए में से 50% क्यू के लिए। शेष मतदाताओं ने वोट ही नहीं दिया। अब देखिए पी के लिए वोट दिया 35%, क्यू के लिए तो बचे हुए में से तो बचा कितना 65 का 50% आधा, तो 32.5% क्यू के लिए वोट नहीं दिया, बचा हुआ तो 32.5% वोट भी नहीं दिया। यही कहानी है। अब कह रहा है एक यदि उम्मीदवार पी को देने वाले और वोट ना देने वाले का अंतर 1000, तो पी को देने वाला और वोट ना देने वाले का अंतर 1000 है, तो योग्य मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो दोनों का अंतर कितना है 2.5%, अब बराबर है 1000। आपको पूछा है 100% कितना होगा, 2.5 का कितना गुना 40 गुना, तो 40 से गुना कर दीजिए, 40,000 हो गया रिजल्ट। जिनका कैलकुलेशन कमजोर है तो बटा में 2.5, ऐसे 1000 बटा 2.5 इंटू 100, दशमलव के बदले एक और 0, 25 से घटा 4 बार, 4 पर 0 40, पूरा काट लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। अरे मतदान करने के लिए पात्र लोगों में से, मतलब जिसको वोट देने का अधिकार है, 28% लोग 20 से 25 के बीच के। एज को टारगेट बताया है 20-25 के बीच 28% है। मतदान करने के लिए पात्र 20 से 25 वर्ष के बीच के उम्र वालों में से 75% ने वोट दिया। उस चुनाव में 20 से 25 के बीच के व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदान किया था, मतदान हेतु पात्र लोगों के संख्या का कितना परसेंट था? तो मतदान के लिए पात्र तो टोटल 100 है, लेकिन उसमें से वोट देने 20 से 25 वाला कितना है? 28 लोग है 20 से 25, और उसमें से 75% मतलब 3/4 ने वोट किया। 4 से काटिए 7 बार, 7 गुना 3 21 वास्तव में वोट दिया। अब 100 वोटर में से 21 ने दिया का मतलब क्या हुआ? 21% वोट पड़ा। बस यही लिखना था, निकलना था। आइए अगला चेहरा क्या कर रहा है। सीजीएल का 22 का परिवार आय का 30% बचाता है। बचत राशि व्यय के आधे से भी 600 कम है, आय का 30% बचाता है। अब बचत की राशि खर्चा के आधे से भी 600 कम है। अब करें स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा पर कुल व्यय इस अनुपात में किया गया है। तो शिक्षा पर व्यय कितना था? अच्छा, आय का 30% सेविंग है, इनकम 100 है, तो सेविंग इसका क्या है? 30 है। तो इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा? 70%। अब करें बचत की राशि जो है वो व्यय के आधे से, तो व्यय का आधा जाते तो 35%, इससे भी कितना कम है? 600। तो कितना कम हुआ? 5%, जो कि है कितना? 600। अब पूछा है शिक्षा पर व्यय, कुल व्यय 3 जगह बांट दिया है, तो कुल व्यय है ये, इसको 3 जगह बांटा है 3, 5, 6 के अनुपात में। 6, 5, 11, 3, 14, 14 से 5 बार 5%, तो ये हो गया 15%, ये हो गया 25%, ये हो गया 30%। ठीक है, शिक्षा पर व्यय कितना है? ये लास्ट वाला चेहरा है शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा। तो शिक्षा पर व्यय कितना है? 30%। तो आराम से 30% निकालिए, 5 का 6 गुना, तो 6 गुना करते तो 3600। तो शिक्षा पर व्यय कितना हुआ? 3600। ठीक, लगाइए, बढ़िए 243। आइए 244 में क्या कर रहा है? सैलरी वेतन का 60% खर्च करती है, वेतन में 40% वृद्धि होती है, खर्चा भी 30% वृद्धि करती है, बचत में प्रतिशत वृद्धि। तो इसको बढ़िया क्या होगा? एडिशनल से 60%, 3/5 खर्चा। तो इनकम अगर 5 है तो खर्चा कितना है? 3, तो सेविंग क्या होगा? 2। करे उसके वेतन में 40% वृद्धि हुई, ये 40% बढ़ा, खर्चा में भी 30% वृद्धि हुआ, तो ये बढ़ा, सेविंग पर क्या इफेक्ट नहीं मालूम, तो एक्स। ये 290 घटता 110, 110 में 2 से भाग पड़ता तो 55, कितना वृद्धि हुआ? 55% प्लस में रिजल्ट आ रहा है का मतलब इंक्रीज किया। आराम से लिखिए। आइए 245 क्या कह रहा है? 245। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कार की लागत 10% बढ़ जाती है, फिर 20% घट जाती है, इसी कारण से फिर 15% बढ़ जाती है, तो क्या इफेक्ट पड़ा? पहले 10% बढ़ गया 11/10, फिर 20% घट गया 1/5 घट गया तो 4/5, फिर 15% बढ़ गया तो 23/20, 15% 3/20 बढ़ गया तो 23/20। कहाँ गया? 23 गुना 4 92, 92 गुना 11, 11 गुना 2 22, 11 गुना 9 99, 2 101, अब बटा में हो गया 100, 1000, मतलब 1000 था, अब पहुंच गया 1012 पर। परसेंटेज वृद्धि निकालना है, तो वृद्धि कितना हुआ? 12, किसमें हुआ? 1000 में। परसेंटेज गुना 100, 20 कट गया, 1.2% क्या रहा? इंक्रीज। तो लिखिए 1.2% इंक्रीज। 245। 246 क्या कह रहा है? एक कर्मचारी की आय व्यय से 30% अधिक, खर्चा से 30% ज्यादा कमाता है, मतलब है इनकम जो है एक्सपेंडिचर से 30 ज्यादा है, तो ये 100 खर्चा है तो कमा रहा है 130। आय 10% कमी हो गई, 10% कमी करते तो 9/10, 13 गुना 9 117 पे आ गया। ठीक है, व्यय में 30% वृद्धि होती है, 3%, 100 का 3%, 3 रुपया बढ़ता है तो 103। उसकी बचत में कितनी परसेंट वृद्धि या कमी होगी? तो सेविंग पहले 30 था, अब सेविंग कहाँ गया? 117 कमाया, 103 खर्चा कर दिया तो 14। सेविंग में कमी कितने का आया? 16। कमी आया किस में? 30 में। परसेंटेज गुना 100, एक एक जीरो कट गया, 160 बटा 3, 5 बार में 15, 3 बार में 9, 1 बटा 3, 53.1/3%। क्या हुआ कमी, तो 53.1/3% कमी। आराम से सी नंबर को अड़ंग लीजिए। किसी का मन होता कि नहीं हम इसको एडिशनल से बनाए तो ये कर सकता था, खर्चा से 30% ज्यादा आमदनी, 30% 3/10 ज्यादा, तो 3/10 ज्यादा मतलब इनकम हो गया 13, खर्चा हो गया 10, व्यय से 3/10 ज्यादा, तो 3/10 तो 10 था, 3 ज्यादा इनकम, तो एक्सपेक्ट सेविंग क्या था, तो 13 में 10 घटा 3। आगे करा आय 10 कमी हुई तो -10, खर्चा करा 3 बढ़ा तो गुना 3 प्लस में, बचत पर इफेक्ट निकालना। ये 130, ये 30 घटता 160 बटा 3, तो 160 बटा 3 अब माइनस में जा रहा है तो कमी, 5 बार में 15, 3 बार 1/3%, अब माइनस में जा रहा है का मतलब क्या हुआ कमी, डिक्रीज किया कमी हुआ। तो ऐसे भी एडिशनल से भी इसको बना सकते थे। अगले में आइए 47 क्या कर रहा है, 47 है रंजीत वेतन का 30% भोजन पर, शेष वेतन का 15% कपड़ा पर, फिर लिखा है शेष वेतन का 25% किराए पर, शेष वेतन का 20% ईंधन पर खर्च करता है, अब इतना बचाता है। अब ये तो दिख रहा है कि कैलकुलेशन की गुंजाइश बन रही है, तो जरा डीएस देख लेते हैं। इसका डीएस 3 है, इसका डीएस 5, 1, 6 है, इसका 8 है, इसका 2 है, मतलब क्वेश्चन में दिखा कैलकुलेशन की संभावना, डीएस ढूंढ लिए तो अलग अलग डीएस है, इसका मतलब आराम से अब क्वेश्चन पर डीएस से अटेम्प्ट लिया जा सकता है। एक्स था 30% खर्चा हो गया भोजन पर तो बचा 70%, 15% खर्चा हो गया तो बचा 85%, 25% किराए पर खर्चा हो गया तो बचा 75%, 20% ईंधन पर खर्चा हो गया तो बचा 80%, अब बचा है 5, 3, 5, 5, 3, 5, 5। अब डीएस यूज करें, इसका तो ठीक है 7 है, इसका 8, 5, 13 तो 3, 1, 4 है, इसका 3 से ये डेटा देखिए तो 3 का गुना जाए तो 3 पहले काट लेते हैं 25, 3 काटे 1, 7 बार में 21, 8 बार में 24। अब आराम से डीएस यूज कीजिए। 25 इसका सबका तो एक ही रहा डीएस, 25 गुना 4 100 तो 1 रहा, ये 8 गुना 7 56, 6, 5, 11, 1, 1, 2 डीएस। यहाँ कितना रहा 8, 1, 9 हट गया, 7, 5, 12 तो 2, 1, 3, 3/2। इसको 5 गुना करके 1 डीएस पे पहुंचा लीजिए। यहाँ रहा 15, यहाँ रहा 10, इसका डीएस कितना 6, तो डीएस 6 वाला रिजल्ट। और डीएस 6 किसका है, बी का। हाँ, जिसको ना मन हो डीएस यूज करने का तो स्ट्रक्चर बना दिए, बैठ के काट दीजिए, आंसर बन के आ गया। जब दिख जाए कि बड़ा गुना है तो डीएस में आ जाइए। 48 है, एक गांव के चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक उम्मीदवार इतना मत वोट मिला और इतने से हार गया, तो विजय प्रत्याशी को कितना मिला। तो देखिए जब 2 ही कैंडिडेट है, रिजेक्ट वगैरह वगैरह का चर्चा है नहीं, तो 43.5% ए को मिला तो हटा दीजिए, तो 56.5% बी को मिलता। अब जीत हार इसी दोनों के फासला को कहते, तो कितने से होता, 56 में 43 घटता तो 13% से जीत हार हुआ, और 13% दिया हुआ है 3744, 1% की जरूरत पड़ती। 2 बार में 26, 11, 8 बार में 104, फिर 8 बार। पूछा है विजय प्रत्याशी को कितना आया, तो विजय है विनर को 56.5, तो इसको गुना करते हैं 56.5 से, पूरा भी गुना करके हटा सकते हैं, 0 हट जाता मतलब बटा में 10, तो 5 से काट लेते, इसको 2 से 144 गुना। आइए क्वेश्चन नंबर 249 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को 3 वर्ष में इतना 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 % वृद्धि प्राप्त हुआ, प्रारंभिक दिया हुआ है तो प्रारंभिक 20,000 उपलब्ध है, 15% बढ़ा तो 23/20, 20% बढ़ा तो 6/5, 25% 1/4 बढ़ा तो 5/4। अब काट देते हैं, ये 5, 5 का चेहरा कट गया, 20 से कट जाएगा 1000 बार, ये 2 से कट गया 3 बार, 2 बार, 2 से 500, 500 गुना 3 1500 गुना 23, 20 सुरक्षित है, 15 गुना 3 45, 30 4 34, 34,500। ये तब जब डीएस का यूज नहीं कर रहे हैं। अब किसी का मन होता पहले मोड बनाता डीएस, तो इसका डीएस 3, इसका डीएस 8, 5 4 9 हटता तो इसका डीएस 3, इसका डीएस 5 2 7 3 10 1। अब दो जगह पे कंफ्यूजन बरकरार रहता डीएस में, दो जगह में से कौन सा आंसर होता, ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता। तो इस वजह से हाँ, उसके बावजूद कोई अगर चाहता कि ना हम डीएस का ही यूज करें तो किया जा सकता है, लेकिन तब क्या होगा कि इस दोनों में से कंफर्म हो गया कोई आंसर होगा। अब देखिए इसको तब एप्रॉक्स का सहारा लेके निकल जाता है। जैसे देखिए सिर्फ 20% बढ़ता 1/5 बढ़ता तो 4000 बढ़ता, सिर्फ 25% बढ़ता तो 1/4 5000, 5 6 9000 यही हो गया। अब 15% 3000 तो 9 3 12000 तो बढ़ ही गया। सिर्फ सिंपल परसेंटेज भी जोड़ता कि 15 25 25 15 40, अब 20 60%, तो सिर्फ 60% भी बढ़ता तो कहाँ चला जाता, 12,000 बढ़ जाता तो 32,000 से प्लस जाता। अब 32,000 प्लस सिर्फ जोड़ घटाव करके देखते। मतलब अगर जबरदस्ती का डीएस यूज करना है तब तो छोटे छोटे डेटा में मेरे हिसाब से डीएस कोई महत्व नहीं रखता है। जहां लेंदी कैलकुलेशन हो वहां आके डीएस का यूज कीजिए। 250 क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, राम सिंह सोहन लाल, निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या दी हुई है, 80% वोटिंग हुआ और मतदान किए गए मतों का 60%, मतदान किए गए मतों का 60% राम सिंह को आया तो किए हुए का 60% राम सिंह को आया तो किए हुए का 40% किसको आता, सोहनलाल। सोहनलाल पूछा है अच्छा तो 80,000 वोटर है, वोट 80% ही हुआ तो 4/5 वोटिंग हुआ इसका, तो रामलाल को इसका 60% तो सोहनलाल को कितना, राम सिंह को 60% तो सोहनलाल को 40%, 40% मतलब 2/5। अब काट लीजिए आप आराम से, 25 से कटता 4 बार में 100, 8 गुना 4 32, 100 गुना 16, 512, तो 00 512 के ऊपर 00 जोड़ घटाव गड़बड़ की, 25 से 4, 8 गुना 4 32, ये है 8, 8 गुना अच्छा 4 गुना 2 8 है तो 2 0 है, 8 गुना 2 16, 8 गुना 3 24, 1 25, तो 25,600 आराम से रंग दीजिए ऑप्शन नंबर। जिनको मन होगी ना हम यहाँ भी डीएस का यूज करेंगे तो वो करते हैं। 80,000 वोटर है, 80% वोट पड़ा, रामलाल को सोहनलाल को आया 40%, ये निकालना है। ये 4 0 हटा ली है या नहीं भी हटाते तो नीचे का डीएस 1, इसका 8, इसका भी 8, इसका 4, 8 गुना 8 64 6 4 10 1, 4 गुना 1 4, तो डीएस होता 4। जिसको पूरा एकदम डीएस पर ही आश्रित रहना है 4, इसका डीएस 8 2 10 है तो 1, इसका 8 4 12 3 15, 5 1 6, इसका 6 5 11 2 13, 3 1 4, इसका 6 2 8 7 15, 5 1 6, डीएस 4 वाला आंसर होता तो 4 डीएस का यूज करके आंसर टिक लगाया जा सकता था। ये था 250। फिर अगला फेज, यहां से आगे का क्रम लेके मिलते चलेंगे।